हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आ जाइए मेरे पास। आज मैं आपके पास फिर से एक मैजिक वाली वीडियो लेके आई हूँ, और मैजिक का वाकई में गजब की मैजिक है। शायद आपने पूरे यूट्यूब चैनल में ही दुनिया भर की कबाड़ की वीडियो तो देखते ही हैं आप सब लोग, लेकिन ये वाली वीडियो किसी ने नहीं देखी होगी, क्योंकि ये वीडियो मैं खुद अपनी ही नई बना रही हूँ। मेरे यहाँ पाइपलाइन खराब हो गई थी, तो मेरे पूरा पाइप बदला गया है, और पाइप की जो रॉड होती है, देख सकते हैं मैं ये रॉड इसीलिए आपके हाथ में ली हो छोटा सा, ये देख सकते हैं यहाँ पे नल फिट होता है, और ये पूरी इस तरह की मेरी पूरी पाइप, ये देखिए पूरा मैंने ये रॉड लगा रखा है, और आपके सामने ही टांगना है, इसीलिए ये ऐसे करके टांग लिया है, क्योंकि बार बार मुझे कुर्सी में चढ़ना पड़ेगा, तो मैंने ये पहले से फिटिंग कर दी है। यहाँ पे ये रॉड लगाई है, और रॉड में उसके बाद मैंने ये देख सकते हैं, ये मैंने खुद की बनाई हुई डोरियां हैं, ये मैंने क्रोशिया की डोरियां बनाई हुई थी, ये क्रोशिया की डोरियां लगाई हैं, ये दुपट्टे लगाए हुए हैं, और ये दुपट्टे लगाने के बाद ये देखिए ये स्टैंड है, जो बर्तन जिसमें हम लोग रखते हैं, कुकर उकर का स्टैंड है, ये कुकर का स्टैंड है, और ये जो फ्रूट बास्केट की टोकनियां होती हैं, ये मेरी पता नहीं कब से पड़ी हुई थी, देख सकते हैं दिखने में आपको अच्छी लग रही होंगी, लेकिन बहुत टाइम से ये पड़ी हुई थी, तो ये भी मैंने कहा चलो आज इनका भी खूबसूरत सा एक बढ़िया सा अपने गार्डन में नया लुक दे देती हूँ। और जानते हैं दुपट्टे हैं मेरे पास, दुपट्टे से मैंने कुछ कल्पनाएं करी हैं, और मैंने एक इस तरह से कम, जैसे अब हम लोग का सीजन आ रहा है गर्मी के, तो हम लोग अपने हैंगिंग पॉट टांगते हैं, हैंगिंग पॉट टांगने के लिए जगह बनाते हैं, तो आपने कई वीडियो देखी होंगी हैंगिंग पॉट वाली, तो इस तरह की पॉट वाली हैंगिंग पॉट की आपने कहीं नहीं देखी होंगी। जिस तरह से डोरियों में तो लोग हैंगिंग पॉट ढेर सारे लगाते हैं प्लांट में छेद करके, मैंने आज इस तरह की बास्केट का यूज किया है। इस तरह की ये बास्केट है, ये स्टैंड है, और लोहे की रॉड है, और दुपट्टे हैं, और ये देखिए ये मेरा आइसक्रीम का कटोरा है। तो ये इस तरह के आइसक्रीम के मैंने 4 कटोरे लिए हैं, और देख सकते हैं ये मैंने छेद किए हुए हैं, इस तरह के छेद किए हैं, और इसके बाद मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मुझे क्या करना है। तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, और थोड़ा सा भाई ध्यान तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो हमारी लंबी तो होने वाली है, क्योंकि जब इस तरह का हम लोग बनाएंगे तो थोड़ा टाइम लगता ही बनाने में। तो ये देखिए ये मैंने इस तरह की डोरियां इस तरह से छेद किया है, और डोरियों को ऐसे ऊन से बांध दिया है, इस तरह से बांधा है, और अब मैं आपको यहाँ पे ये बांध के दिखाती हूँ। ये छेद वाली बास्केट है, इस तरह की हम लोग इसमें फंसाते हैं और इस तरह की बांधेंगे। उसके बाद बांधने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसमें अपने सुंदर सुंदर से पॉट लगा के, तो मेरे पॉट बहुत सुंदर लगने वाले हैं। इस तरह से बांधने से काफी खूबसूरती हम लोग की, जानते हैं आप लोग, अपने हम लोग अपने हैंगिंग पॉट जो टांगते हैं, यहाँ पर हैंगिंग पॉट टांगते हैं, और हैंगिंग पॉट में हम लोग के बहुत सुंदर सुंदर से डिजाइनर पॉट लोग लगाते हैं, बाहर के खूबसूरत से पॉट लेके आते हैं बढ़िया बढ़िया से। तो आप तो जानते हैं मैं अपने घर की ही सब कुछ यूज करती हूँ, जो कुछ मेरे घर में होता है मैं कोशिश करती हूँ, और ये मेरा बहुत पहले अपनी क्रोशिया के डिजाइन से बनाया था ये, तो ये डोरियां हैं उसी की, तो आज मेरे इसमें ये काम आ गई हैं डोरियां, इस तरह की डोरियां आज मेरे ये काम आ गई हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह से टांग दिया है, और आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा खूबसूरत लग रहा है, जैसे हम लोग तराजू करते हैं, जिस बिल्कुल तराजू का शेप मैंने दिया हुआ है बास्केट का और डोरियों से। और अब एक इस स्टैंड में मैं टांग के अभी आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैंने टांगा है इसको। बस ये दुपट्टे हमको लेने हैं, कोई भी आप पुराने दुपट्टे ले सकते हैं, और बस इसके बाद हमको इस स्टैंड में बांध देना है। मैंने अपनी मतलब सोचा है बहुत दिन से, जानते हैं आप तो मैं हर चीज वीडियो में सोचती रहती हूँ किस तरह से क्या बनाना है मुझको, तो जब तक मेरे को फाइनल चीज समझ में नहीं आ जाती है, कल मैंने पूरे दिन पहले सोचा है इसको, तरीका देखा बनाने का, किस तरह से सफाई आ रही है इसमें, कितना सुंदर लग रहा है, उसके बाद ही मैं आपके पास कोई वीडियो लेके आती हूँ, जब उसमें परफेक्ट हो जाती हूँ कि हाँ भाई मेरा ये फाइनल अब परफेक्ट हो गया है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से ये बांध दिया है, एक यहाँ बांधा है और एक अब इसको यहाँ बांध दूंगी। ये देखिए मैंने इस तरह से इसमें कवर कर दिया है, और ये हमारा पुराना स्टैंड है जंग लगा हुआ, तो उसको थोड़ा सा फैंसी बनाने के लिए इस तरह से, जो हम लोग के फटे फटे से जो कपड़े रहते हैं, दुपट्टे रहते हैं, चादर रहते हैं, कुछ भी किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, डोरियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये मैंने इस तरह से इसको थोड़ा सा और खूबसूरत बनाने के लिए ये मैं इस तरह से कवर कर दे रही हूँ उसको। मन हो आपका करिए, नहीं मन हो तो ना करिए, गमले तो वैसे भी इसमें आ जाते हैं तो ढक जाएगा वैसे भी, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा थोड़ा सा इसको खूबसूरत और बना देती हूँ,
तो थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए ही मैं इसमें ये लपेट रही हूँ। तो ये मैंने देख लिए पूरा स्टैंड अपना, ये रॉड में कितना खूबसूरत सा झूले वाला बना लिया है। देख सकते हैं आप कितना प्यारा ये झूला बन गया है मेरा। अब झूला बनाने के बाद मैंने इनको आइसक्रीम पॉट को, ये देख सकते हैं आप, ये आइसक्रीम पॉट है और इसमें मट्टी भरी है। मट्टी तो आप जानते हैं किस तरह से मट्टी भरी जाती है। एक भाग हम लोग का कोकोपीट का होता है, क्योंकि अब गर्मियां आ गई हैं। और मैंने कोलियस भी हम लोग का, जानते हैं आप, जो जो मैंने कटिंग लगाई है सब हम लोग की, जो हम लोग की कटिंग अब जो पहले से बेकार हो गई है उसमें अब जो खूबसूरती आएंगी, चार चांद लगेगी, तो वही मैंने इसमें कटिंग लगा रखी है। एक मनी प्लांट लगाया है, एक पर्पिल हार्ट लगाया है, कोलियस लगाया है और ट्रेंगिल हार्ट लगाया है, ट्रेटल ट्रेटल हार्ट लगाया है और अब ये अजवाइन लगा रही हूँ। तो एक मैंने आपको बनाने के लिए छोड़ दिया था, कि मैंने कहा एक दिखाना भी रहता है कि भाई आप लोग को लगे कि लो पहले से सब तैयारी कर दी है, हम लोग को तो कुछ दिखाया ही नहीं। तो ये आप लोग के सामने ही बना रही हूँ, इसमें थोड़ा सा मैंने कहा इसीलिए छोड़ दिया था एक पॉट मैंने। ये ड्रेनेज होल के लिए हमने ईंटे लगा दिया यहाँ पे, इस तरह से ये मैंने ईंटे लगा दिए यहाँ पे, ये ईंटे लगा दिए। और देख सकते हैं मेरी मट्टी इतनी बढ़िया मैंने मट्टी बना रखी है, बिल्कुल हल्की मट्टी लगाई है इसमें। मैंने सिर्फ इसमें कोकोपीट और लीफ कंपोस्ट का ही यूज किया है, क्योंकि ये दोनों चीजें हल्की होती हैं और हल्का सा गार्डन सॉयल मिक्स किया है। और अब मैं ये अजवाइन की कटिंग लेके आई हूँ। अजवाइन भी मेरे, आप जानते हैं, गार्डन में भरी पड़ी है, तो मैंने कहा ये हैंगिंग पॉट है, हैंगिंग पॉट में अजवाइन भी बहुत अच्छे से चल जाती है हमारी। इस तरह के ही प्लांट मैं लगा रही हूँ, जो हम लोग के हैंगिंग बास्केट में, जो हम लोग के बहुत अच्छे से लग जाते हैं, तो वही वाले मैंने यूज किए हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने ये लगा दी है और बिल्कुल हल्की हल्की मट्टी भरते हैं, क्योंकि जिससे हम लोग का इसमें भार भी ना आए इसमें हाथ। इस तरह से अब ये दबा दूंगी। ये मेरे पॉट तैयार हो गए हैं, मैंने देख सकते हैं आप, मैंने चार अपने पॉट तैयार कर लिए हैं। इतने बढ़िया बढ़िया खूबसूरत से पॉट तैयार किए हैं। तो अब मैं डिसाइड करती हूँ कि जो मेरा खूबसूरत सा, जितना ज्यादा सुंदर इसमें जो पॉट लगेगा वही पॉट लगाती हूँ। तो भाई ये वाला तो मेरी बास्केट है, ये बास्केट में देखती हूँ उसको लगा के, क्योंकि मनी प्लांट तो जानते हैं आप राजा है हमारा, हर प्लांट का खूबसूरती में बिल्कुल ही चार चांद लगे रहते हैं इसमें। तो ये इस तरह से भी लगा सकते हैं मनी प्लांट को। और जैसे हम लोग डोरियों में, ये डोरियां मैंने लगा रखी हैं, तो मैं इसका भी यूज कर लूंगी इसमें आराम से। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से मैंने ये बिल्कुल, ये भी इस तरह से लटके लटकेना भी है, लटकाना है, लटक जाएगा और इस तरह से ये, तो ये हम लोग का और ज्यादा खूबसूरत लगेगा। ये देखिए इस तरह से, ये देख सकते हैं मेरा लटकने वाला भी मनी प्लांट हो गया इसमें, और ये डोरियां भी कितनी सुंदर सी इसमें तैयार हो गई हैं। एक ये मैं इसमें लगा देती हूँ, जो मतलब जिस तरह के, एक ये लगा दूंगी मैं वाइन ट्रायंगल, देख सकते हैं ये तो मेरा बहुत खूबसूरत प्लांट है और इतना प्यारा, ये तो हम लोग का जानते हैं आप राजा है हम लोग के गार्डन का, चारों तरफ चमक रहा है बिल्कुल। और ये अजवाइन का लगा देती हूँ मैं इसमें, ये अजवाइन का लगा देती हूँ, क्योंकि अजवाइन तो हम लोग की सदाबहार वाली अजवाइन होती है, परमानेंट लटकती रहती है ये, और पूरी पूरी डंगाले इसमें भर भर के आती हैं, बहुत सुंदर सी डंगाली लगती हैं। एक मैंने यहाँ पे कोलियस लगा दिया है, ये देखिए ये कोलियस लगा दिया यहाँ पे मैंने। और अब एक पर्पिल हार्ट की बारी आ गई है। पर्पिल हार्ट लगा सकते हैं आपकी इच्छा हो, कुछ और आपकी इच्छा हो कुछ और भी लगा सकते हैं। ये देखिए ये लगा लीजिए, ये तो मेरी काफी बास्केट बड़ी है, तो इसमें मैं कुछ छोटे छोटे से गमले और भी रख सकती हूँ, जिससे कि मतलब और खूबसूरती में चार चांद लग जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये बिल्कुल पुराने पुराने स्टैंड और बास्केट का, ये जो मेरे फ्रूट बास्केट थी जमानों की पड़ी हुई थी, डोरियों थी, दुपट्टे थे, इन सब से मैंने कटिंग भी लगा दी आपके सामने। कितनी खूबसूरत सी कटिंग भी हमारी तैयार हो गई बढ़िया सी। और मैंने अब इसमें हल्का हल्का सा पानी दे देंगे, जिससे कि इसमें अभी मैंने नई नई मट्टी लगाई है, तो ये मट्टी थोड़ा सा इसमें भार हो जाएगी, तो भारी से ये थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा।
क्योंकि मट्टी बिल्कुल मैंने हल्की सी बना रखी है, तो ये काफी झूला झूल रहा है। और आप तो जानते हैं मेरे यहाँ बंदर का कोई भरोसा नहीं है, 1 मिनट में उखाड़ के फेंक देगा। थोड़ी मट्टी जमी रहेगी इसमें तो ये थोड़ा सा कवर हो जाएगा, अच्छे से इसमें एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि पानी भी हम लोग को, जब भी हम लोग कोई चीज लगाते हैं, कटिंग करते हैं, तो उसमें पानी भी जरूरत होती है डालने की। तो आप देख सकते हैं, और आप मुझे फाइनल रिजल्ट बताइए जरा कि ये क्या आज की मेरी कितनी बेस्ट कटिंग लगी है, कि मैं आपको खुद ही, मुझे नहीं विश्वास हो रहा कि मैंने ये इतना खूबसूरत से ये तैयार कर दिया है, इतना प्यारा सा। वाकई में बहुत सुंदर लग रहा है। और आप लोग को कैसा लग रहा है तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी मेहनत आपको कैसी लगी। कल से ही मैंने ये प्रैक्टिस पूरी करी है, पूरा लोहे का रॉड लगा के पूरी कल से ही मैं तैयारी कर रही थी और देख रही थी, पहले अपने आप खुद देखती हूँ कि मुझे कैसा लग रहा है, उसके बाद ही मैं कोई वीडियो आप लोग के पास लेके आती हूँ। जब मुझे खुद समझ में आती है हाँ परफेक्ट हो गई है, तो उसके बाद मैं आपके पास रिजल्ट लेके आती हूँ। तो आज का मेरा रिजल्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की मेरी मेहनत अच्छी लगी कि नहीं लगी, बुरी लगी तो भी बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा मुझे कमेंट करके। तो मैं थोड़ी सी और उस बार थोड़ा सा कुछ और बनाना चाहूंगी, तो वो मुझे राय अच्छी लगेगी तो मैं उस तरह से भी आपको लोग को बना के दिखाऊंगी। आप लोग अपनी तरफ से मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलती हूँ फ्रेंड, आज मैंने बहुत मेहनत कर ली और मैं बहुत थक गई हूँ। मैं सुबह से काफी देर से इसमें लगी हुई थी क्योंकि बहुत टाइम लगा इसे बनाने में, कम से कम मेरे ख्याल से 10 घंटे लग गए। कल भी मैंने 2-3 घंटे बनाया और आज भी मुझे बहुत टाइम लग गया है। तो फ्रेंड चलती हूँ मैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आऊंगी, मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके फ्रेंड, बाय बाय।